नमस्कार दोस्तों, मैं मानी निवेदिता और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। दोस्तों, हमारे देश में शिक्षा का स्तर, विशेषतः सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफी लंबे समय से एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। कहते हैं बच्चे हमारे देश का भविष्य है और उसी भविष्य की चिंता आज किसी को नहीं है। ये बात बेहद अफसोस करने वाली है। हमारे देश के भविष्य को देखिए, इन तस्वीरों में उनके शिक्षक बाल मजदूरी करवा रहे हैं। गौर से देखिए सभी तस्वीरों को और सोचिए कि हमारे देश का भविष्य कितना सुरक्षित है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी मेहनत की जा रही है हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हमें एक वीडियो मिला है, गौर से देखिए इस वीडियो को। गलत हुआ, तुम भाग्य भाग्य संख्या नहीं जानते। भाग्य भाग्य में तुमने सम विषम संख्या के बारे में बता रहे हो। सम संख्या की परिभाषा को तुम अभाज्य संख्या की परिभाषा में बता रहे होगी। अगला सवाल, दो भाज्य संख्या है क्या भाज्य है? हाँ, दो भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य है, ठीक। अगला चीज ये है, सवाल है, जवाब दिया कि दो भाज्य संख्या है, बताओ कैसे भाज्य है दो? ये है हमारे गरीब शिक्षक का काबिलियत। ये भाज्य भाज्य नहीं जानता, ये नौ को कहता है कि अभाज्य है, ये दो को कहता है कि भाज्य है। प्रूफ करने के लिए बोलते हैं तो आता नहीं है। गरीब के पाठ एक में क्या है इसको पता नहीं है, किस क्लास में बैठा है वो पता नहीं है इसको। क्या 500 पेन क्या रखे हो, क्या सो कर रहे हो, पढ़े लिखे हो तुम? लाओ मेरे को वो दो, चाक देना। देखो बच्चों, तीसरी पढ़ करना तुम लोग। एक बार अनिल का इसमें फोन आ रहा है, बात करो उससे, ठीक है? सॉरी बच्चों, ठीक है। असल में तुम लोगों को एक गाली बताता हूं मैं, ठीक है? और कौन कौन दिया जी फैमिली स्कूल? दो है सर, दो लोग। मैं गाली बता रहा हूं, एक गाली है, ठीक है? हरामखोर गाली सुने हो? हरामखोर नहीं सुने हो ना? चलो मैं सिखा देता हूं। मां, हरामखोर का मतलब होता है जो आदमी बिना काम किए पैसा खाता है। समझ में आया? जो अपना काम नहीं करता है और उसको पैसा मिलता है और उस पैसा को खाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम साला किसी को ना फ्री का पैसा नहीं खाने देंगे। आरक्षण के दम पर बिना योग्यता के एक शिक्षक बच्चों को गलत शिक्षा देते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक शिक्षक को भाज्य विभाज्य संख्या का ज्ञान नहीं है, लेकिन शिक्षक पद पर जरूर विराजमान है। एक बात बता दे, रिजर्वेशन सिस्टम खोखला कर रहा है हमारे देश को। हमारे देश के अलग अलग भागों में रिजर्वेशन से बना डॉक्टर, इंजीनियर या फिर टीचर हमारे देश को कितना विकसित करेगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक विशेष समुदाय को हानि ना पहुंचाकर, वरन पूरे देश की जनता को हानि पहुंचा रहा है और हमारा देश पीछे जा रहा है। पर इस बात पर विचार करने की शायद किसी को नहीं पड़ी है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 9 न्यूज मुंबई।